नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। नवरात्रि के दिनों में सबसे ज्यादा 9 दिनों की माताओं को सबसे खास माने जाते हैं, लेकिन नवरात्रि के आखिरी पे यानी कि रामनवमी पर घर घर कन्याएं खिलाई जाती हैं। और कन्याएं खिलाने के सबसे अच्छे उपाय ये होते हैं कि आप अपने घर में माताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आप अपने घर पे छोटी छोटी कन्याओं को खाना खिलाते हैं तो ऐसा करने से जो भी आपको आशीर्वाद मिलेगा वह उससे इच्छा पूर्ति हो जाती है। कहा जाता है यदि आप अपनी इच्छाओं को मन में रखें और छोटी छोटी कन्याओं को खाना खिलाते जाएं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते जाएं तो ऐसा करने से भी आपकी इच्छा जल्दी ही पूर्ति हो जाती है। तो आज मैं बताती हूँ कि यदि आप छोटी कन्याओं यानी कि कितनी उम्र की कन्याओं की कौन सी पूजा करने से आपको क्या फल मिल सकता है। नंबर एक, अगर आप 2 वर्ष की कन्याओं को अपने घर पर लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि 2 वर्ष की जो कन्या होती है वो कुंवारी मानी जाती है। और यदि आप 2 वर्ष की कन्याओं को घर में खाना खिलाते हैं तो आपके घर से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि आती है। नंबर दो, 3 वर्ष की कन्या, यदि आप अपने घर पे कन्या खिला रहे हैं तो उसके लिए यदि आप कन्याओं को 3 वर्ष की कन्या लेकर आते हैं तो आप त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का आगमन रहे, धन धान्य रहे, तो उसके लिए आप 3 वर्ष की कन्याओं की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन का धान्य रहेगा, आगमन रहेगा और सुख समृद्धि भी हमेशा रहेगी। नंबर तीन, यदि आप 4 वर्ष की कन्याओं की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें हम कल्याणी के नाम से जानते हैं। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि और उसके साथ साथ अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो उसके लिए आप 4 वर्ष की कन्याओं को लेकर आए, और 4 वर्ष की कन्याओं को यदि आप अपने घर में भोजन खिलाते हैं तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपके जितनी भी सफलता के रूप में आप जिस कार्य को पाना चाहते हैं वह जल्दी ही सफल हो जाएगा, और आपके कार्य सफल होने के साथ साथ उससे आपकी जल्दी ही बढ़ोतरी भी हो जाएगी। बच्चा, यदि आप नवमी के दिन 5 वर्ष की कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और उन्हें पूजन करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं तो उन्हें रोहिणी के नाम से जाना जाता है। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और उसे आप रोग मुक्त करना चाहते हैं तो आप 5 वर्ष की कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करें और उन्हें भोजन खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में जो भी व्यक्ति रोगी है वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। नंबर पाँच, यदि आप अपने घर में 8 वर्ष की कन्याओं को खाना खिलाते हैं तो उसके मतलब है कि आप अपने घर में लोकप्रियता चाहते हैं, यानी कि आपके घर में कोई आपको पूछता नहीं है या फिर आपके कोई भी ज़्यादा चिंता नहीं करता और आप चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में पूछें या फिर मेरी चिंता करें, तो उसके लिए आप 8 वर्ष की कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित कीजिए, उनका पूजन करें और पूजन करने के बाद उन्हें खाना खिलाएं। ऐसा करने से आपकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। और 8, 9 वर्ष की कन्याओं को यदि आप अपने घर पर आमंत्रित करते हैं तो वह दुर्गा माँ के रूप में पूजी जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि सारे आपके काम सिद्धिपूर्वक बने या फिर आपके कार्य में सफलता मिले तो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अपने घर पे 9 वर्ष की कन्याओं को आमंत्रित करें, श्रद्धा अनुसार उनकी पूजा करें और पूजा करने के बाद हलवा छना और पूरी के साथ उनको भोग कराएं। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी और साथ के साथ जो इच्छाएं और सफलताएं चाहते हैं वह भी पूरी होंगी। 9 वर्ष की कन्या को यदि आप पूजते हैं तो उससे आपकी सारी इच्छाएं भी पूर्ति होती हैं और आप जिस कार्य को चाहते हैं तो वह सिद्धि के अनुसार पूर्ति हो जाती है। तो ये है, यदि आप इस वर्ष की कन्याओं को पूजते हैं और अपने घर पर आमंत्रित करते हैं तो आपके जो भी कार्य हैं वे सफल हो जाते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत देती हूँ।